नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक एआई और मैं हूं आज तक का एआई एंकर जय। मैं आपको रूबरू करवाऊंगा दुनिया की बड़ी खबरों से। तो चलिए नजर डालते हैं इंटरनेशनल हेडलाइंस पर। यूक्रेन के मिलिट्री स्पाई चीफ का कहना है, जपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले का खतरा कम हो रहा है, लेकिन जब तक प्लांट मॉस्को की सेना के कब्जे में रहेगा तब तक खतरा बना रहेगा। इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुदानोव ने ये बयान तब दिया जब यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र जपोरिजिया पर हमले की योजना बनाने का दावा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के मैनहैटन में दो बसों की जोरदार टक्कर से 18 लोग जख्मी हो गए हैं। हादसे में एक डबल डेकर टूर बस ने एक यात्री बस को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। टक्कर इतनी तेज थी कि बसों के शीशे चकनाचूर हो गए। दोनों बसें खचाखच भरी थीं। मेडिकल टीम ने मौके पर दोनों बसों में सवार 63 लोगों की जांच की। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लंदन में एक कार प्राइमरी स्कूल की इमारत से टकरा गई, जिससे 8 साल की एक बच्ची की मौत हो गई और करीब 16 लोग घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं। कार ड्राइवर 40 साल की एक महिला है, जिसे खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे विंबलडन में स्टडी प्रैप स्कूल के बगीचे में अपने माता पिता और टीचर्स के साथ टर्म एंड पार्टी कर रहे थे। रूस और यूक्रेन ने गुरुवार को युद्धबंदियों की अदला बदली की घोषणा की है, जिसमें दोनों पक्षों से सैनिकों की वापसी की गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 45 रूसी सैनिकों को यूक्रेन से लौटाया गया है। वहीं यूक्रेन राष्ट्रपति स्टाफ के प्रमुख एंड्री यरमक का कहना है कि 45 सेवाकर्मी और 2 नागरिक यूक्रेन लौट आए हैं। यूक्रेन के मानवाधिकार अधिकारी के मुताबिक रिहा किए गए ज्यादातर लोग गंभीर रूप से घायल थे और सभी का पुनर्वास किया जाएगा। फरवरी 2022 में युद्ध के बाद से कैदियों की अदला बदली में 2576 यूक्रेनी रिहा किए गए हैं। ट्विटर ने मेटा पर थ्रेड्स ऐप को लेकर मुकदमा करने की धमकी दी है। ट्विटर के वकील एलेक्स स्पायरो ने मार्क जकरबर्ग को एक पत्र भेजा है, जिसमें स्पायरो ने मेटा पर ट्विटर के पूर्व कर्मचारियों को हायर करने का आरोप लगाया है। इन कर्मचारियों के पास ट्विटर के ट्रेड सीक्रेट्स और गोपनीय जानकारी थी। मेटा प्रवक्ता का कहना है, थ्रेड्स इंजीनियरिंग टीम में कोई भी व्यक्ति ट्विटर का पूर्व कर्मचारी नहीं है। मेटा ने हाल ही में थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया है। चीन ने सुरक्षा कारणों के चलते जापान से फूड इम्पोर्ट पर रोक लगा दी है। चीन ने जापान द्वारा रेडियोएक्टिव पानी को समुद्र में छोड़ने का हवाला दिया है। चीन खाद्य पदार्थों खासकर सी फूड डॉक्यूमेंट्स की भी सख्ती से जांच करेगा, क्योंकि चीन जापान के सी फूड एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा खरीदार है। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि जापान फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से रेडियोएक्टिव पानी समुद्र में छोड़ने जा रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति के सलाहकार आयोग ने 1992 के बाद से इस्तेमाल नहीं किए गए परिवार एवं रोजगार श्रेणियों के 2,00,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड वापस लेने की सिफारिश मंजूर कर ली है। इससे ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हजारों भारतीय अमेरिकियों को फायदा हो सकता है। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक स्थायी निवासी कार्ड के रूप में जाना जाता है।